के दही है। फिर दोस्तों सुबह की राधे राधे, अब हो चुकी है हमारी तैयारी यहाँ से, और ये है हमारे नेगी जी। तो नेगी जी, कल का एक्सपीरियंस बता सकते हो आप, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बारिश के बीच में बहुत मस्त, काफी मजा किया, बहुत मस्त। 8 बजे रात तक पैदल चले। तो अभी हम हैं गोनार गांव में, और यहाँ की जो सेवा पानी है वो काफ़ी अच्छी रही, बहुत मस्त, घर के जैसा खाना है, घर का जैसा खाना। और आप जब भी आओ तो रांची से सीधे गोनार गांव में आना, यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था है। दोस्तों अब उठ चुके हैं सारे, और ये देखो मिस्टर के अंदर हो रही है, मिस्टर के अंदर पता नहीं क्यों छुप रहे हैं, ये पता नहीं क्यों छुप रहे हैं। तो दोस्तों ये है गोनार गांव, सुबह की बज रहे अभी 6, तैयारियां करते हैं। बारिश अभी भी हल्की हल्की लगी है। और यहाँ से ऊपर अब पूरी खड़ी चढ़ाई है। वो दोस्तों मिल चुकी है सुबह की चाय, तो दोस्तों फोन के लिए सिफ्ट तो रखी है जेब में, और बारिश आ रही थी अभी तक, अभी तो थोड़ा कम है, तो मैंने GoPro बैग में रखा है, और अभी मैं फोन से ही शूट कर रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे परमानेंटली बारिश बंद हो जाएगी, वहाँ से मैं GoPro निकालूंगा, GoPro से शूट करूँगा। और अब यहाँ से होती है खड़ी चढ़ाई स्टार्ट, और एक भक्त दिखाता हूँ मैं आपको, बैक कैमरे में एक भक्त दिखाता हूँ जो नंगे पांव चल रहा है। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम गोनार गांव से, और बारिश आ रही थी तो GoPro मैंने बैग में रखा है। तो दोस्तों अब यहाँ से हो चुकी है खड़ी चढ़ाई स्टार्ट, और गोनार से तो 1 किलोमीटर सीधा ही है, और यहाँ से अब पूरी खड़ी चढ़ाई है देख सकते हो आप। और बाकी के साथ ही पीछे आ रहे हैं, सो अगर बारिश लगती है तो GoPro को फिर से बैग में डाल दूंगा, सही नहीं है, सेफ्टी सबसे पहले है। तो दोस्तों हल्की फुल्की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, और अब तो पसीना भी आने लगी है, और अभी हम गोनार से ज़्यादा 2.5 किलोमीटर चले होंगे ना संदेश, 2.5 के आसपास चले हैं। और पीछे पूरा क्लाउड्स लगा है, सही है धूप नहीं लगी है, और ये भी सही है कि बारिश नहीं आ रही है अभी। तो मैं भी GoPro से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मौसम सही है, बारिश भी नहीं आ रही है। सो अब हम रास्ते में मिलेंगे, जूते निकाल के दोस्तों इतना सुकून मिल रहा है चलने में, क्या ही बताऊं, वाह ऐसा लग रहा है
कितना बड़ा बोझ उतर गया। बाकी शांति पीछे आ रहे हैं और दो हम यहाँ पे हैं संदेशवर में। परसों आगे चले गया, मैं जूते निकाल रहा था उसके चक्कर में लेट हो गए। और पसीने से आगे लाल हो गए। जो सुकून नंगे पांव चलने में हो रहा है वो सुकून और कहीं नहीं है। बाबा के दरबार में जाने के लिए इतना कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। हाँ संदेश, जय श्री राम। मिलते हैं हम आपको। ये तो दिखा नहीं मैं जो तन छू डाल। वाह यार, ये पकड़। किलोमीटर 100 मीटर। हर हर महादेव। अब यहाँ पर रुको, 200 फाइनली हम नानो पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे साइड से होम स्टे है, यहाँ पे करते हैं नाश्ता। यहाँ पे है मैखम्बा पून चट्टी गोंडा, अच्छा गोंडा नीचे है। इसके बाद मैखम्बा पून चट्टी है, उसको आते हैं मंदिर से। वाह कालू कालू, और एक कालू ये है और एक कालू ये है। दो कालू आ चुके हैं पीछे। हाँ बस वो तो सुना हरे ओम बोले बोले भाई साहब। एप्पल लटक रहा है, एप्पल बोले। दोस्तों अभी हम नानों में रुके हैं और यहाँ पे करते हैं नाश्ता, परांठा परांठा खाते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर। और यहाँ पे हमारे साथ एक सदस्य जुड़ चुका है, ये है कालू महाराज। हेलो, क्या हाल चाल? हेलो। और अभी बाकी दोस्त लोग आ रहे हैं पीछे, तो उसके बाद चलते हैं हम सीधे और उसके बाद मंदेश्वर में मिलेंगे हम आपको। ये है हमारे घर का पाचा। ये प्लेट हो चुके हैं खाली, प्ले करेंगे।
तो नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके हैं यहाँ से नानू से। अब नानू से 5 किलोमीटर की दूरी पे है मधमेश्वर। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ से बस 5 किलोमीटर है मधमेश्वर। और इनकी पता नहीं कौन सी तमन्ना है नंगे पाँव चल रहे हैं। बाबा आपने बस कितनी है नंगा पाँव? बस हम ट्राई कर रहे हैं कैसा लगेगा। दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, है बहुत पुरानी कहावत। और अब हम मिलते हैं आपको नानू के बाद कौन सी चट्टी है वहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद और कहता हूँ नानू गांव की चढ़ाई चढ़ने के बाद अब फाइनली मधमेश्वर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं हम। और यहां पे 2-4 हट दिखाई दे रहे हैं। तो और यहां पे हमारे साथ भैरव बाबा भी जुड़ चुके हैं जो कि आधे रास्ते से वापस हमारे साथ आए। और यहाँ पर कुछ हट दिखाई दे रहे हैं तो क्या पता मधमेश्वर यहाँ से थोड़ा ही होगा, ऐसे होना चाहिए। तो आपको दिखाता हूँ मैं बैकग्राउंड में, चार रूम है चारों के लिए। यार मस्त लग रहा है, उसे नहीं पहुँचे ना दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं मधमेश्वर में और मंदिर यहां से 100 मीटर की दूरी पे है। तो आओ ले चलता हूं मैं आपको मधमेश्वर की घाटी में, मधमेश्वर के मंदिर में। चलो बैग रख रखेंगे ना अपने। दोस्तों कैमरा खो चुकी है बैटरी लो और अभी हम पहुंच चुके हैं मधमेश्वर मंदिर में। अंदर फोटो अलाउड नहीं है पर दर्शन करने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं। अब जाते हैं ऊपर मधमेश्वर
वीडियो ब्लॉग में डाया तो मैं पहले मोहन को है ना है सा ना चार चार बार आ गया था लाइक ये मैं सब हो रही थी सारे देर सुबह यार हालत चोरी पट आता है तो दोस्तों ये है आज का रहने का हमारा ये है। कल भी इतनी अचंभा था और आज भी और सीधे मंदिर के सामने और ये देखो इसको इतनी तलब लगी है कि बारिश बारिश लगी चैन नहीं है इसको तो गाइस बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश और अभी हम ले रहे हैं नमकीन के मजे अभी मैं बहुत भीग गया हूँ दो चार शॉट